मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने जिले में उल्हासनगर पुलिस ने 43 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए हैं। नेहरू चौक स्थित एक दुकान में दो लोगों पर मामला दर्ज किया गया क्योंकि उन दोनों के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस नहीं था और 43 लाख रुपयों का अवैध पटाखों को भी बरामद किया गया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप फुलपागरे को सूचना मिली कि उल्हासनगर कैंप नंबर 2 में यूनिवर्सल ट्रेडर्स नाम की दुकान में अवैध रूप से पटाखे बेचे जा रहे हैं। दिलीप फुलपागरे की टीम ने दुकान पर छापा मार अवैध पटाखों को बरामद किया है। परसों रात शाम को हमारी टीम जो है उल्हासनगर की, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। वो हिसाब से हम लोगों ने नेहरू चौक है उल्हासनगर 2 में, वहाँ यूनिवर्सल ट्रेडर्स करके शॉप है पटाखे का, वहाँ पे बिना परवाना पटाखे का स्टॉक रखा है। ऐसी मालूम होने के बाद में हमारी टीम वो जगह पे पहुँची तो हमें वहाँ एक हरेश राजवानी और अमरजीत राजवानी ऐसे दो लोगों ने लगभग 43,27,000 कीमत का जो माल था वो खुद के कब्जे में सेल करने के लिए रखा था, तो वहाँ पंचनामा करके वो हम लोगों ने सीज किया और वो दो लोगों के ऊपर गुना दाखिल किया।